मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ख्वातीन की सलामती के मामले पर बीजेपी अरकान असेंबली का एहतजाज। काली साड़ी पहनकर ख्वातीन अरकान असेंबली ने किया एहतजाज। ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद को रोकने में रियासती हुकूमत नाकाम, उद्धव ठाकरे हुकूमत पर बीजेपी अरकान असेंबली का इल्ज़ाम। तो आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहाँ ख्वातीन की सलामती के मामले पर बीजेपी अरकान असेंबली का एहतजाज। काली साड़ी पहनकर ख्वातीन अरकान असेंबली ने एहतजाज किया। ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद को रोकने में रियासती हुकूमत पर नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। उद्धव ठाकरे हुकूमत पर बीजेपी अरकान असेंबली ने यह इल्ज़ाम लगाया है। तो मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, ख्वातीन की सलामती के मामले पर बीजेपी अरकान असेंबली का एहतजाज। काली साड़ी पहनकर ख्वातीन अरकान असेंबली ने यह एहतजाज दर्ज कराया है। ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद को रोकने में रियासती हुकूमत नाकाम, उद्धव ठाकरे हुकूमत पर बीजेपी अरकान असेंबली ने इल्जाम लगाया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां सामान नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। वसीम, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, आलमी यौम ख्वातीन है, और आज मुंबई में अगर हम देखें तो काली साड़ी पहनकर जो बीजेपी के लीडर है वो असेंबली पहुंची है, क्या है पूरा मामला? देखिए, बजट सेशन का दूसरा सप्ताह है और इसी दौरान हमने देखा है कि बीजेपी जो हमेशा आक्रामक भूमिका में रहती है, और आज बजट का दिन है, काफी अहम दिन है, और खास करके वुमेंस डे भी है। इसे लेकर बीजेपी की महिला विधायकों की तरफ से ब्लैक साड़ी में इस सरकार का आंदोलन किया गया, इनके विरोध निषेध किया गया है, और अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर की गई है। विधानसभा की सीढ़ियों पर लगातार महिला विधायक बैठी हुई थी, उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि महाराष्ट्र में जिस तरह से महिला अत्याचार बढ़ा है उसे सरकार रोकने में कहीं ना कहीं विफल नजर आई है। या पूजा चौहान हत्या मामला हो, आत्महत्या मामला हो, इन दोनों मामले में अब तक किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि इस पे किसी तरह की मंत्री पे किसी तरह की कार्रवाई हुई। कई ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। साथ ही महाराष्ट्र के जो महिला आयोग अध्यक्ष पद है वो खाली है, अब तक उसे नहीं भरा गया। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना है। साथ ही आज जिस तरह से कई सवाल गृहमंत्री अनिल देशमुख से भी पूछा गया था विधानसभा के अंदर, आज देर शाम तक वो उसका भी जवाब देंगे कि किस तरह के महिला सुरक्षा या फिर महिलाओं के लिए किस तरह की सारे इंतजाम सरकार की तरफ से किए हैं। लेकिन सबसे अहम बात है, अब इन विधायकों का यह भी सवाल था कि आज का जो बजट है महिला सुरक्षा को लेकर सरकार क्या करती है, वो देखने वाली बात होगी। साथ ही आने वाले दिनों में कौन कौन से ऐसे स्कीम हैं जो महिलाओं को दिए जाएंगे, इसे लेकर भी कई तरह के संकोच उन्होंने जाहिर किए हैं और अपना जो विरोध यहाँ पे प्रदर्शन किया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए।